सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं। यहाँ पे बोल्ट ऑडियो एयरबड्स जो कि अमेजोन पे आने वाले थे, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी इसके लिए, प्रीव्यू मैंने बेसिकली बनाया था। उसके बाद हुआ क्या कि मतलब कुछ टाइम बाद, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर बोल्ट ऑडियो एयरबड्स Z35 नाम से फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो गया। ये मतलब कल ही सेल पे गए थे और मैंने कल ही एक वीडियो बना दी थी, मतलब कल, हाँ, और मैंने इसको बाय भी किया। उसके बाद मतलब लोग ये कन्फ्यूज थे, मेरे से कई बार पूछ रहे थे कि मतलब Z25 ज़्यादा बेटर हैं या मतलब Z35। तो ये वीडियो उन्हीं सब के लिए, और क्या ये सिमिलर ही हैं, क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में ही, वो हम चेक करेंगे। और ओवरऑल दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन से। और अभी तो फिलहाल बोल्ट ऑडियो एयरबड्स Z35 जो है वो फ्लिपकार्ट पे 3 कलर शेड्स में आए थे, ग्रीन, एक ऑरेंज और एक ग्रे, हाँ। तो वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं मेरे ख्याल से, और सेल पे अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे जो वो 1299 में आएंगे, ध्यान रखना है। बट यहाँ पे बोल्ट ऑडियो एयरबड्स Z25 है ना जो अमेजोन पे आएंगे, अभी तो आए नहीं है सेल पे, बट अभी कमिंग सून है, तो ये जब भी आएंगे 1000 रुपये से नीचे होंगे, मतलब 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है दोनों में ही। और वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है, इवन फ्री डील्स भी मिलती है। टेकबुक हमारे चैनल पे अभी मैंने शेयर किया, बॉम्बे शेविंग आपको पता ही होगा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो एक फ्री सर्वे कर रही है जहाँ पे आपको शेविंग फोम या शेविंग बाम प्रोवाइड कर रही है, पता नहीं कुछ टाइप का। तो आप फॉर्म फिलअप करके, उनका सर्वे फिलअप करके आप अपने एड्रेस पे ले सकते हो, तो कितनी कमाल की बात है। इस तरीके के फ्री सैंपल्स या डील्स आप सभी के लिए वहाँ पे हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। लुक और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों में ही मटेरियल प्लास्टिक का है और ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। उसी के साथ साथ मतलब ग्लॉसी नहीं, एक टेक्सचर टाइप का दिया गया है, केस भी प्लास्टिक का है और यूनिट कॉपर का मिल जाता है आपको अंदर। बात करें ब्लूट रेंज की, तो रेंज यहाँ पे दोनों में ही अच्छी मिलती है, 10+ मीटर तक की मिल जाती है आपको अच्छी खासी, और वर्जन यहाँ पे दोनों में ही सेम है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि मतलब मेरे ख्याल से क्या एक्जैक्टली आपको अभी आगे बताऊंगा कि मतलब दोनों ही सेम है कि अलग है। 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, जो गेमर है उनके लिए भी एक ट्रीट है दोनों ही बर्ड्स आपके, ठीक है। आगे बात आती है वाटर रेटिंग की, तो यहाँ पे IPX5 वाटर रेजिस्टेंस दोनों ही मिल जाते हैं, तो स्प्लैश स्वेट यहाँ पे जिम विम जा रहे हो तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें ड्राइवर साइज़ की, तो दोनों में ही 13mm के एक तगड़े बेस वाले ड्राइवर्स इसमें यूज़ करेंगे, तो बास बहुत तगड़ा मिलता है इसमें आपको, और स्टीरियो साउंड इफेक्ट भी मिलता है। माइक रेटिंग की बात करते हैं, ENC माइक मिलता है एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक सिंगल बड से भी आप बात कर सकते हो कॉल पे, ये अच्छी बात है। स्टीरियो इफेक्ट है और साथ में जैसे मैंने आपको बताया सिंगल बड से भी कॉल ले सकते हो, और कॉल क्वालिटी अबव एवरेज है, मतलब गुड आप मान सकते हो यहाँ पे मिल जाती है दोनों में ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कंट्रोल्स की, टच कंट्रोल वैसे मिल जाते हैं, डबल टैप करके आप चेंज कर सकते हो ट्रैक्स को, और सिंगल ट्रैक पे आप पॉज प्ले पॉज कर सकते हो, ट्रिपल टैप पे आप जो आपका कौन सा मोड है गेमिंग मोड एक्टिवेट कर सकते हो। आगे बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप, जो बैटरी जो कैपेसिटी है वो तो एक्जैक्टली बताया नहीं, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400mAh हो सकती है, और जो वेट है वो भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 40 से 41 ग्राम के बीच में दोनों में ही, और 2 घंटे दोनों ही फुल चार्जर में ले लेते हैं। वैसे फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे आगे बात करते हैं स्पीकर की, स्पीकर क्वालिटी कैसी मिलेगी। देखिए ये मेन चीज़ होती है, वोकल्स क्लियर मिलेंगे आपको डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि बोल्ट में जो इनका लाइनअप रहा है इसमें बेस जो बास होता है वो बहुत तगड़ा होता है पहले तो, और इसी के साथ साथ लोज गुड होते हैं और मिड भी गुड मिलेंगे आपको, हाई उसमें वॉल्यूम पे भी स्पीकर डिस्टॉर्ट नहीं करता, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे ओवरऑल साउंड क्वालिटी कह सकते हो अच्छी मिलती है, बैलेंस तो नहीं कह सकते बट क्योंकि बेस इसमें ज़्यादा मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है बोल्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बेस ज़्यादा मिलता है। 6 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है वैसे यहाँ पे, तो प्ले टाइम भी बहुत ही तगड़ा दिया गया है। उसी के साथ साथ कॉल में अगर आप बात करोगे तो 4 से 5 घंटे तक का कॉल टाइम आपको मिल जाएगा एक बार से, ठीक है। और यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 32 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है वैसे दोनों से, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मैं यहीं पर ही आपको रोकना चाहता हूँ, दोनों ही सेम हैं बट नाम चेंज करके यहाँ पे एक अमेजोन पे लॉन्च किया गया, एक आपका फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, बस कलर का डिफरेंस है, एक में ब्लू कलर का वेरियंट मिल जाता है और दूसरे कलर शेड्स ऐड किए गए हैं, और एक में आपको ग्रे और एक आपका कौन सा है ग्रे है ग्रीन है टाइप के आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और ऑरेंज है। आगे बात आती है प्राइसिंग की, देखिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अब जो Z35 लॉन्च मतलब सेकंड बार सेल पे आएगा तो 1299 या 1199 सेल पे आने वाला है फ्लिपकार्ट पे, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, चेक कर लेना, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। Z25 अमेजोन पे सेल पे जाएंगे बहुत जल्दी, तो ये तो डेफिनेटली 1000 रुपये के अंडर ही आएंगे, तो अगर आप Z35 नहीं ले पाए हो तो Z25 आप ले सकते हो, अमेजोन पे बहुत ही जल्दी सेल पे जाने वाले हैं, ठीक है। और गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वैसे आप डेडिकेटेड सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, TECHPOK टेकपोक, आपको मिल जाएगा चैनल। तो गाइस वैसे मेरा वोट जाता है दोनों को ही, दोनों ही सेम है ऑब्वियसली बात है, और कंफ्यूज मत हो, एक बस नाम चेंज करके लॉन्च किया गया क्योंकि सेम नाम से लॉन्च नहीं कर सकते दूसरे पे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।